डीकेटी एक इस मामले में आई यूज टू ऑल्सो फॉलो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी डीकेटी देखा करती थी. आई यूज टू सी द टॉपर स्टॉक देयर ऑल्सो. सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. So thank you. Hi everyone, my name is Ninisha Agrawal and I've done my graduation from Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala. Recently I have cleared Rajasthan Judiciary Services with rank 56 in my first attempt. I have taken my coaching from Pahuja Law Academy in Delhi. In this topic I would be dealing with the topic as to how one should prepare bear ads. Firstly, before starting memorizing or learning bear ads, one should thoroughly study the syllabus and understand as to what subjects are coming, and one should also analyze the previous year papers, because only after understanding the previous year papers and analyzing the important topics, one should be able to memorize and prepare the bear ads more efficiently. Then one must make a timetable with respect to the subjects, that is, till this time I have to prepare these and these topics. For example, I used to take two major acts and one minor act daily and revise it in a time bound manner, and then after completing those subjects I used to start with another subject, so that in regular intervals I will be able to memorize the bear acts and would not leave long gaps in between. If you leave long gaps in between with respect to a particular subject, then the information will slip out of your mind. सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले बेयर एक्ट्स का एक जनरल ओवरव्यू लिया था. मैंने उसको सबसे पहले मेमोराइज़ करने का ट्राई नहीं किया था, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट इन वन गो. तो फर्स्टली आप एक कर्सिव मैनर में आप अपने बेयर एक्ट से गो थ्रू कर सकते हो. फिर जब आप कर्सिवली आपने एक बार अपना बेयर एक्ट आप गो थ्रू कर लिया, फिर आप सेकेंड टाइम से मेमोराइज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू रहे बेयर एक्ट को लेके. फिर आप अपने जो सेक्शंस हैं वो आप इंडेक्स मेथड से भी लर्न कर सकते हो, कि व्हाट आई डिड वाज कि मैं लैंग्वेज तो नॉर्मली लर्न करती थी बेयर एक्ट का, बट मैं इंडेक्स भी रेफर करती थी, सो डैट वो एक सेक्शंस की जो लिस्ट है वो मेरे माइंड में रहे. बहुत बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो लॉन्ग सेक्शंस जो होते हैं, जो लेंथी सेक्शंस होते हैं, वो अच्छे से उनको याद नहीं रह पाते हैं, वो उसे मेमोराइज नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हें कॉम्प्लेक्स लगता है. तो इन दैट रिगार्ड मैं ये कहूँगी कि आप उसे सेक्शंस को ब्रेक करिए, रादर देन आप उस कॉम्प्लेक्स सेक्शन को एक बार भी गो थ्रू कर दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप एक सेक्शन को ब्रेक करिए एंड देन आप उसको इंडिविजुअली समझने की कोशिश करिए. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें की टर्म्स होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे सेक्शंस में की टर्म्स होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली लिख कर आने चाहिए, बिकॉज दे विल फेच यू गुड मार्क्स अगर आपको की टर्म्स आप स्पेसिफिकली लर्न करेंगे और लिख कर आएंगे. तो देन अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द की टर्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द सेक्शंस, आप अपने बेयर एक्ट को जो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है आप उसे लर्न कर रहे हैं, तो फिर आप उसके जो उससे रिलेटेड जो सिमिलर प्रोविजंस हैं सेम एक्ट में एंड डिफरेंट एक्ट्स में, आपको उसे कनेक्ट करना चाहिए. सो उससे क्या होगा कि आपकी बेयर एक्ट की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी एंड आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, एंड आपका और नॉलेज जो है वो पॉलिश होगा. साथ ही साथ आप केसेस एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो जाती है बेयर एक्ट में सेक्शंस की, तो फिर आप उसके साथ साथ आप साइमल्टेनियसली केसेस पढ़िए, आप लैंडमार्क केसेस पढ़िए, आप रीसेंट केसेस पढ़िए, आप अपने नोट्स रेफर करिए, रादर देन लर्निंग द बेयर एक्ट इन आइसोलेशन. तो इससे ये होगा कि आपका अच्छे से एफिशिएंटली आप उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे एंड आपके लिए प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. एंड लास्टली आप बेयर एक्ट में हर जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है आप उसे लर्न करने का ट्राई कीजिए. जो भी टॉपिक्स रिपीटेडली हमारे आरजेस में पूछे गए हैं वो तो आप 100% करिए, वो तो आप मत ही छोड़िए, बट ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं आएगा यहाँ से तो मैं ये नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है. तो आप हर जितने भी सेक्शन हैं आप अच्छे से करिए, तो इससे आप और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. तो अगर आप इस
टाइप से, इस मेथड से आप बेयर एक्ट लर्न करने का ट्राई करेंगे तो फिर आपको इशू नहीं होगा। बेयर एक्ट प्रिपेयर करने का एक एफिशिएंट मेथड ये भी है कि जैसे आप मल्टीपल सेक्शंस एक बार में ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जैसे आईपीसी में, दैट इज़ इंडियन पिनल कोड में, हमारा सेक्शन 304B जो है, जो हमारा डाउरी डेथ से डील करता है, तो आप अपना जो आंसर है आप उसे ब्यूटिफाई करने के लिए आप उसे दूसरे बेयर एक्ट से, दूसरे प्रोविजन से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B से जोड़ सकते हैं, सो डैट आप एट द सेम टाइम आपके जो मल्टीपल बेयर एक्ट्स हैं आपका एक बार में उससे इंफॉर्मेशन भी इन्हांस होगा और आपका आंसर भी जो है वो ब्यूटिफाई होगा। तो इस तरीके से आप जैसे सपोज एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेके बैठे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपके जो बाकी के जो एक्ट्स हैं, बाकी के क्रिमिनल लॉज में, जैसे आप आईपीसी पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप उसी टाइम में आप कोशिश करिए कि जो बाकी के जो बेयर एक्ट्स हैं, बाकी के जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, उनमें कैसे कैसे रिलेटेड प्रोविजंस भी उसमें दे रखे हैं, सो डैट आपको एक सेपरेटली ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, बट एट द सेम टाइम आपका वो एक बार में एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे बेयर एक्ट रीड करते टाइम आप अपने मन में एक क्वेश्चंस बना सकते हैं कि ये पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एंड आप उसी टाइम अपना एक माइंड में आंसर फ्रेम कर सकते हैं, मॉडल आंसर्स बना सकते हैं उस प्रोविजन से अपने क्वेश्चन बना के, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड जब आपके कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होंगे तो आपको इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी कि किस प्रोविज़न को आपको किससे जोड़ना है, क्योंकि वो आपका पहले ही प्रिपेयर्ड रहेगा। थैंक यू।